है, नशा वह है, वो नर्क है। तो दोस्तों मेरा निवेदन है कि संस्कारित होना भी हमें आवश्यक है। बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी अपन मिलेंगे, कहते रहेंगे। मैं इस मंच पर आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का, भरत जी भाई साहब का और विशेष रूप से हमारे पंडित भवानी शंकर जी का, बहुत बड़े विद्वान है, वे तो वही आता है और अपने बल पर तो ये बाबा साहब का सपना साकार होता है। ये उप महासचिव जी, मैं लेक्चरर के पद से रिटायर हुआ, ये बाबा साहब का सपना साक्षी होता है। हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर के पद से रिटायर हुआ, 10 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। उसके बाद गुरु जी का ये पहन लिया और भजन करता हूँ और यही बातें करता हूँ। ये बाबा साहब का सपना संस्कार, ये बहन बैठी है आरएस, ये सपना देखा था बाबा साहब ने और ये सपना आपको पूरा करना। ये जो बच्चे आज जिनको सम्मानित किया जाएगा उनको सपना साकार करना है बाबा साहब का। अरे अपने को करो इतना बुलंद, अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि लोग खुद तुम्हें पूछे कि तुम क्या हो। अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि तुमको किसी के सामने भीख मांगने की, किसी के सामने याचना करने की आवश्यकता ना हो। इतने शिक्षित बनो, इतने संस्कारित बनो, इतने बलवान बनो, इतने संगठित बनो, लोग तुम्हें पूछे तुम्हें लोगों के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं। मैं इस मंच से, इस मंच का, इस युवा मंच का, वाल्मीकि युवा मंच के सभी कार्यकर्ताओं को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय, भीम जय, भीम जय, भीम जय, भीम जय, भाई श्री धर्मेंद्र जी खंडा पदाधिकारी का उनको फोटो उड़ाकर सम्मान था। धर्मेंद्र जी खंडा साहब पधारे, सम्मान की इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि पीछे जो बुलाए थे हमारे कुछ और अतिथि है उनको भी ऊपर ना उड़ावे। श्रीमान कोमल जी राठौड़ साहब क्रिकेटर, हम सब के प्रेरणा पाते हैं नेता प्रतिपक्ष उदयपुर नगर के हमारे लाडले विधायक आदरणीय गुलाबचंद जी साहब कटारिया, मंच पर विराजमान महाराज राम प्रताप जी, आदरणीय भवानी जी, आदरणीय आशा जी, हमारे पूर्व पार्षद दिनेश जी, कैलाश जी, बंसी जी, अनिल जी, मेरे सहयोगी पार्षद शंकर जी, आदरणीय बाबूलाल जी चौहान, भाई रवि जी और वाल्मीकि समाज के और सब पधारे हुए अतिथि महानुभाव, मातृशक्ति युवा साथियों, प्यारे बच्चों, वक्ताओं ने पूरी अपनी बात तो रख दी। वैसा आपको कार्यक्रम में जाना है, बात करने में वो की वो ही वापस आएगी। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है और पूरा देश उनकी जयंती को बहुत खुशी के साथ में, उत्साह के साथ में मना रहा है। अभी जैसा अभी भाई रवि कह रहे हैं कि 2012 में वाल्मीकि युवा मंच की स्थापना की और उन्होंने अपने उद्देश्य को बताया, उद्देश्य बहुत ही अच्छे हैं रवि जी, क्रियान्वित करने की आवश्यकता। आपने जैसा कहा कि कोचिंग, ये प्यारे जो बच्चे बैठे हुए हैं ये कोई शिक्षा के मामले में कमजोर नहीं है, ऐसा नहीं है की शक्ति नहीं। अभी महाराज जी ने बताया कल दृष्टि से बाबा साहब ने जो कहा शिक्षित, अब अगर आप शिक्षित करने के लिए अगर कोचिंग क्लासेस चलाओगे तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचना है कि वह व्यक्ति आज इस मंच पर मैं आशा जैसा बनकर निकलूंगा। अभी बाबूलाल जी बता रहे थे कि मैं आशा अपनी लगन के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, अपनी निष्ठा के आधार पर
उन्होंने अपने मेहनत के आधार पर आज आरएस की एग्जाम पास करके